जब हम अपने आसपास देखते हैं, तो हम रात के आकाश के तारों के समान बहुत से क्रूस देख सकते हैं। कहा जाता है कि दुनिया की एक तिहाई जनसंख्या यानी लगभग 2.2 अरब लोग ईसाई है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि हमारे आसपास बहुत सारे चर्च है। लेकिन एक बात जो हमारी जिज्ञासा को जगाती है वह यह है कि जिस प्रकार बहुत सारे क्रूस है, उसी प्रकार कई सिद्धांत और संप्रदाय है। बाइबल एक है और यीशु ने एक ही सुसमाचार का प्रचार किया था। लेकिन अब यीशु के समय से 2000 वर्ष बाद इतने सारे सिद्धांत और संप्रदाय क्यों है? वे सभी दावा करते हैं कि वे सच्चे हैं, जबकि यदि दूसरे उनसे अलग होते हैं तो वे उन्हें विधर्मी कहते हैं। यदि हम यीशु पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं, तो सत्य को विधर्म से अलग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह हमारे उद्धार से निकटता से संबंधित है। 2000 वर्ष पहले यीशु ने सुसमाचार का प्रचार किया और उनके चेले उसका पालन करते थे। फिर कौन सा सुसमाचार सच्चा है? यदि आप भटक जाते हैं, तो आप अपना रास्ता कैसे खोजते हैं? आजकल हम नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करके अपना स्थान जान सकते हैं, इसलिए भटक जाना लगभग असंभव है। लेकिन पुराने दिनों में लोगों को नक्शे और कंपास का उपयोग करके अपना रास्ता खोजना पड़ता था, और यदि उनके पास वह नहीं होता था तो उन्हें रात के आकाश में तारों को देखकर अपने स्थान का अनुमान लगाना पड़ता था। उदाहरण के लिए उत्तर सितारा का यात्री या नाविक के द्वारा एक गाइड के रूप में उपयोग किया जाता था, ताकि वह बता सके कि उत्तर किस दिशा में है। वैसे ही जब हमारे पास किसी स्थान के लिए एक निर्धारित मानक होता है, तो हम अपना रास्ता खोज सकते हैं। उसी तरह जब यीशु ने 2000 वर्ष पहले सुसमाचार का प्रचार किया था, तब आज के समान कोई अन्य सिद्धांत या संप्रदाय नहीं था। फिर इस युग में जब सभी चर्च सच्चे होने का दावा करते हैं, तो हमें खोए हुए सत्य को खोजने के लिए मानक मानदंड के रूप में क्या निर्धारित करना चाहिए? पवित्र शास्त्र वही है जो मेरी गवाही देता है। बाइबल यीशु के बारे में गवाही देती है, इसलिए सत्य को पहचानने का मानक मानदंड बाइबल है। बाइबल में यीशु के जीवन का रिकॉर्ड है, जिन्होंने 3.5 साल तक सुसमाचार का प्रचार किया। हम बाइबल के माध्यम से यह देख सकते हैं कि यीशु ने क्या कहा और क्या किया। मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। इस तरह यदि हम उस नमूने का पालन करें जो यीशु ने हमें दिखाया, तो हम उस सुसमाचार से मिलेंगे जिसका यीशु ने 2000 वर्ष पहले प्रचार किया था। वही सच्चा सुसमाचार है। यीशु ने जो कुछ किया वही सच्चा सुसमाचार है, और उनका इनकार करना विधर्म है। विधर्म से सत्य का भेद करने का पक्का मापदंड लोगों की संख्या से निर्धारित नहीं होता, लेकिन इससे निर्धारित होता है कि चर्च यीशु की शिक्षाओं का पालन करता है या नहीं। उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उंगता नहीं। झूठे नबी नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन करेंगे, यीशु का इनकार करेंगे और बातें गढ़कर सत्य के मार्ग की निंदा करेंगे। क्या विधर्मी जो यीशु का इनकार करते हैं और सत्य के मार्ग की निंदा करते हैं बचाए जाएंगे? जो मुझसे हे प्रभु कहता है
उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। बाइबल कहती है कि यीशु पर विश्वास करने वाले सभी लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, परंतु केवल वे ही कर सकते हैं जो पिता की इच्छा पर चलते हैं। इसलिए विधर्मी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वे यीशु की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। सभी नमूने जो यीशु ने दिखाए सुसमाचार है, और उनका पालन करना रूढ़िवादिता है।